हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वंस अगेन आई एम बिफोर यू विद अ न्यू सब टॉपिक दैट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी फसलें, जो क्लास 10 के एग्रीकल्चर चैप्टर से लिया गया है, एग्रीकल्चर चैप्टर से आता है। आज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत हमें क्या क्या समझना हो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक आर मीनिंग डेफिनेशन ज्योग्राफिकल कंडीशंस टू ग्रो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज वेल एज क्रॉप्स एरियाज एंड प्रोडक्शंस। दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, दीज आर द इंफॉर्मेशन वील गेट रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, ये बड़े बड़े वृक्षों के रूप में, जैसे आम के बगीचे होते हैं, संतरे के बगीचे होते हैं, ये ऑर्चार्ड है, गार्डन्स हैं, नर्सरी है, उसके उसमें जो छोटे बड़े फलों के, फूलों के रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बगीचे होते हैं, उन बगीचों को हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। उन बागों में जो इन फलों के, फूलों के, मसालों के, कंदमूल फल इत्यादि के पौधे सिस्टमेटिक ढंग से लगाए जाते हैं और उससे वह उसके उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चर में देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर दो टर्म जुड़ के यह हॉर्टिकल्चर बना है। हॉर्टी जो एक हॉट शब्द से लिया गया है, द टर्म हॉट मीन्स गार्डन, जिसका मतलब होता है गार्डन, बगीचा, फुलवारी, जिसमें ये कल्चर वर्ड सफिक्स्ड है। तो ये दोनों टर्म को मिलाकर हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, मतलब वह गार्डन, एक लिमिटेड एरिया जो बाउंड्री वॉल से घिरा हो सकता है, आरों से घिरा हो सकता है, इसमें इन सारे फलों के, फूलों के, मसालों के पौधों को, वृक्षों को लगाया जाता है और उससे उसका उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो इस डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं सिलसिलेवार। द टर्म हॉट मीन्स गार्डन टू विच द टर्म कल्चर हैज बीन सफिक्स्ड। जनरली the cultivation of fruits, vegetables, flowers, spices, roots, ornamental plants, etc. are termed as horticulture crops. ये horticulture crops जो है देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के फलों का, अलग अलग तरह के फूलों का, मसालों का उत्पादन किए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। कारण जब हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हम अपने देश के अंदर जलवायु की दशा को, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं, तो उसमें पर्याप्त डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलता है, पर्याप्त विभिन्नताएं, पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। और इसी अंतर के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के जलवायु की दशा मिलती है और अलग अलग तरह के जलवायु की दशा में उत्पादित होने वाले अलग अलग तरह के फल, फूल, कंद मूल, मसालों का उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो इसीलिए ड्यू टू डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेवरल वेराइटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इट्स वेरी क्लियर, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। आप जानते हैं कि सदर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ प्रिवेल करता है, जबकि जब आप मैदानी क्षेत्रों में आएंगे, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल करता है, समशीतोष्ण जलवायु दशा यहाँ मिलता है। तो सदर्न पार्ट में जो है, और नॉर्दर्न पार्ट में, हिमालय क्षेत्र में जब जाएंगे तो वह जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है,
जबकि आप समुद्र के एक तटीय इलाके में जाएंगे तो वहाँ मॉडरेट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल करता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करता है और जिस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन किए जाते हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक डेटा 2008 का दिया हुआ है, उसके हिसाब से इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दुनिया का दूसरे बड़ा उत्पादक देश है फलों और सब्जियों के उत्पादन में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर मुख्य रूप से फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, स्पाइसेज की बात करते हैं। फलों में मुख्य रूप से मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ऑरेंजेस, लीची एंड गुआवास के बारे में जो है मोर ऑर लेस एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं। और इसी से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। सबसे पहले मैंगो के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, काउंटलेस वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस्ड हियर। आम के बहुत सारे किस्मों का उत्पादन होता है। आप बाज़ार में जब आम खरीदने जाएंगे तो बहुत सारे आम के किस्म का पता भी आपको नहीं चलेगा। जो कॉमन मैंगोज है वो आपको पता चल जाएगा कि ये मालदा है, ये कलकतिया है, ये बम्बई है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे किस्में हैं जिन किस्मों के बारे में शायद आपको पता भी नहीं हो। तो काउंटलेस वेराइटीज़ आर देयर। और जितने भी फल का उत्पादन, जितने क्षेत्रों पर हमारे देश के अंदर फलों का उत्पादन लिए जाते हैं, फलों के उत्पादन में जितना क्षेत्र पर इसका बागीचा है, कल्टीवेशन होता है, उसमें तकरीबन 38% एरिया आम कवर करता है, आम के बगीचे कवर करते हैं। और ये जितने भी फल है उन फलों में ये आम का जो शेयर है वह 23% है, 23% है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मैंगो प्रोडक्शन इज अबाउट 54.2% और भारत का पूरे दुनिया के अंदर जो आम का उत्पादन है उसमें 54.2% जो हिस्सा है वह हमारे देश में उसका उत्पादन होता है। और इसका जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है, स्टेट्स है, वह खास उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इन क्षेत्रों में इसके ये यूं कह लें सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मोस्टली सेंट्रल पार्ट जो हमारे देश का है उस सेंट्रल पार्ट में ये आम के उत्पादन, आम के बगीचे जाते हैं, आम का उत्पादन अधिक होता है। बनाना की जब बात करते हैं तो ये मोर ऑर लेस हर जगह इसका खेती होता है, हर जगह हम अपने बैकयार्ड में भी लगा देते हैं, हम अपने आसपास के खेत में भी लगा देते हैं, कुछ बीट लगा देते हैं। लेकिन इसका जो बड़े पैमाने पर खेती होती है उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम, इन स्टेट्स में, इन सारे राज्यों में प्रमुखता से इसकी खेती की जाती है। जब हम ग्रेप्स की बात करते हैं तो यहाँ आपको इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स, और भारत में जो है ग्रेप्स के उत्पादन के लिए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ इसके प्रोडक्शन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वह अनुकूल है और इस वजह से यह प्रमुखता से इसकी खेती की जाती है। ये खासकर इट इज़ ए सब ट्रॉपिकल प्लांट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग समर एंड शॉर्ट विंटर्स, जो हमारे देश में इन मोस्ट ऑफ द एरिया सच टाइप ऑफ लॉन्ग समर एंड शॉर्ट विंटर्स प्रिवेलिंग हियर। और इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य है दो हिस्से में है, उत्तरी भाग में खास करके जो है आपको कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
इसकी खेती पर्याप्त साथ से की जाती है, जबकि दक्षिणी हिस्से में जब बात जाएंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में होता है, जबकि दक्षिणी हिस्सों की एक के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है कि यहाँ अंगूर के की दो फसलें ली जाती है, साल में दो बार इसकी उत्पादन लिए जाते हैं। जब हम एप्पल, पीस, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स की बात करते हैं तो ये खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ से उत्पादित होने वाले जो ये सारे फले हैं, यह दुनिया के हिस्सों में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड्स। अब हम लोग ऑरेंजेस की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नागपुर का ऑरेंज और उसके अतिरिक्त जो है आपको चेरापूंजी मेघालय का ऑरेंज बहुत ही फेमस है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु में भी इसके उत्पादन होते हैं, लेकिन प्रमुखता से इन दो जगहों का जो ऑरेंजेज है, संतरे हैं, वह बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी किस्में यहाँ प्राप्त किए जाते हैं। लीची और गुआभा में यूपी और बिहार बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। बिहार का खास करके आप मुजफ्फरपुर की लीची के बारे में, शाही लीची के बारे में आप सुने होंगे, अब तो यहाँ की यहाँ के लीची विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। जब से दरभंगा एयरपोर्ट खुला है तब से धरेले से यहाँ से विदेशों में भी इसे भेजे जाते हैं, चाहे वह संदेश के रूप में हो या फिर बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल पर्पसेज के लिए हो। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, कैसुनट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे फ्रूट्स हैं और उसके क्षेत्र हैं। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स के उत्पादन में भारत दुनिया का अग्रणी देश है, और इसे ट्रक फार्मिंग के रूप में भी हम जानते हैं। दुनिया में जो सब्जियों का कुल उत्पादन है उसका 13% हमारे देश में उत्पादन होता है, जबकि पीज और कॉलीफ्लावर के उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 पर है। प्याज, गोभी, टमाटर, बैंगन के उत्पादन में हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है, और आलू के उत्पादन में ये 4th पर है। स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, सिनेमन, जिंजर, कार्डमम, ओनियन, गार्लिक, क्लोव, चिली, टर्मरिक एट्सेट्रा। हिंदी में इन स्पाइसेस को पेपर जैसे काली मिर्च, सिनेमन को दालचीनी, जिंजर अदरक, कार्डमम इलायची, ओनियन प्याज, लौंग मिर्च, हल्दी। इसके अतिरिक्त भी और सारे मसाले हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, ये इन सारे मसालों का उत्पादन होता है, और मसाला शुरू से ही विदेशियों को हमारे देश की ओर आकर्षित करने का एक प्रमुख संसाधन रहा है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर एंड कॉडमम आफ्टर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद हमारा देश जो है पेपर, काली मिर्च और कॉडमम इलायची के उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया इसके उत्पादन में, पेप काली मिर्च और इलायची के उत्पादन में। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग स्टेट्स ऑफ स्पाइस प्रोडक्शंस, और स्पाइस के उत्पादन में, इन मसालों के उत्पादन में केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य है। आज के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्लास में इतना ही। जय हिंद। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई नीड योर सपोर्ट इन दिस जर्नी व्हिच आई हैव स्टार्टेड फॉर आवरसेल्व्स। जय हिंद ऑल ऑफ यू।